तो कैसे सो हे गेम गैंग, स्वागत तुम सभी का एक और ब्रांड न्यू पबजी द मोबिलिटी हिंदी वाली गेम प्ले वीडियो में। फिलहाल भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मैच में तुमको, क्योंकि किल्स तो बहुत हाई हो ही रखे हैं, बाकी इंटेंस सिचुएशन भी ऐसे ऐसे ना देख कर कभी मज़ा आ जाएगा। लाइक पहले ही ठोक दोगे इसलिए अभी से ठोक दो यार तुम लोग लाइक, जो भी आ रहा लाइक का बटन दबा दो। ज़्यादा एम नहीं रखूँगा भाई साहब, ज़्यादा एम बिल्कुल नहीं रखूँगा। चलो 4K लाइक्स इस वीडियो पे, 4K लाइक्स का एम रखते हैं, जो कि आजकल हो नहीं रहे पूरे, तो करवा देना। फिलहाल अभी देखो वेयर हाउस उतर रखा, और आते ही मेरे जस्ट बगल में 2-3 बंदे उतर रखे जैसे कि तुम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ आ रखी है। गन मेरे पास अभी भी नहीं है, और एक बंदा सामने नियत्था भी दौड़ रहा है, तुम देख ही सकते हो। फिलहाल क्वीन को यहाँ पे गन मिल जाती है अच्छी खासी, तो मैं उससे गन ले लेता हूँ, एक उधार बाद में लौटा देंगे उसको। फिलहाल जैसे ही गन मिलती है अब देखो बंदे बजाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ही आगे जाता हूँ, मेरे को एक बंदा तो पहले वेयर हाउस के छत में नॉक मिलता है, जिसको पता नहीं किसने ही नॉक कर रखा था। और प्रोबेबली ये बॉट भी हो सकता है, जो भी हो भाई साहब सीधी सी बात यह है कि किसी और का किल था और वो हमारे अपने नाम कर लिया। तो एक किल हमारे यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा आगे जाता हूँ, स्क्वाड हाउस मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाए, जो कि लूट रहा होता है कुछ, लेकिन एक ही जगह पर एकदम स्टेबल होकर। अब इस भाई साहब को नॉक करते ही मेरे को लगा रश करते हैं इसके ऊपर, लेकिन मेरे को इस वाले बान हाउस से फुटस्टेप आते हैं, तो हमने सोचा चलो वो बंदा तो अकेला होगा यार, किल विल मिल जाएगा, बाद में सिक्योर कर लेंगे, तब तक इस बंदे को निपटाया जाए। तो सागर भाई की यहाँ पर कंप्लीट पेटी बनाई, और इन भाई साहब की ड्रेस मेरे को कुछ ज़्यादा ही सही लग रही थी, ब्लैक कलर वैसे मेरे को थोड़ा बढ़िया लगता है, तो इसकी मैंने ऐसे ड्रेस उठा ली। अब मुझे याद आता है मैंने स्क्वाड हाउस में भी एक बंदा नॉक कर रखा था राउडी नाम का, जिसका कि मेरे को अभी तक नहीं मिला। यहाँ पर आता हूँ, वो बंदा तो रिवाइव होकर निकल चुका था, लेकिन उसके दो और टीम मेट आ चुके थे यहाँ पर। तो इन बंदों ने दरअसल राउडी को जो है ना रिवाइव दे दिया था, और वो राउडी इतना ज़्यादा राउडी निकला कि वो इनको छोड़कर ही भाग गया था। फिलहाल धोखेबाजी करते उसने, अभी आप मेरे को फुटस्टेप आते हैं, मैं सोचता हूँ भाई राउडी वापस आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता। दरअसल ये जो बंदा रहता ना ये बॉट रहता है। देखो वैसे तो मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ, बॉट्स पर बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करता, रद्दी भर का भी नहीं, लेकिन कभी कभी किल केडी कंटेंट का लालच मेरे को ये करने पर मजबूर कर देता है। फिलहाल इस चीज़ को छोड़ो, ये तो रही मजाक की बात। अभी दरअसल ना वेयर हाउस की तरफ से बहुत ही बुरी तरह से फायर शॉट्स आ रहे थे, हम पर नहीं, दरअसल वहाँ पर ही लड़ाई चल रही थी बंदों के बीच में, जो कि आपस में लड़ कर मर रहे थे। हमने सोचा चलते हैं भैया बीच में, हम भी थोड़ा बहुत प्रसाद हम भी ले लेंगे। जैसे यहाँ पर पहुँचता हूँ मेरे को एक बंदा नॉक दिखता सामने की तरफ, लेकिन जब तक मैं उस पर फायर लेता भाई फिनिश कर चुका था कोई से। अब सामने की तरफ पूरी पूरी एक स्क्वाड है, तो बस इनको निपटाते हैं। इसी तो ना खड़े थे इसी के साथ, इस स्क्वाड को निपटाने के बाद ये लास्ट ही बंदे थे जो कि वेयर हाउस में बचे हुए थे। इसके बाद वेयर हाउस में कोई भी नहीं रहता, वेयर हाउस पूरी तरह से क्लियर करने के बाद मैं मेरी लाडू उठाता हूँ और सोचते हैं यहाँ से निकलते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पर मैं क्या ही करने का ट्राई कर रहा था, तुम खुद देखो। भाई साहब का तो हैवी ड्राइवर हो रखा हूँ मैं, दौड़ते दौड़ते ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है गाड़ी लेने के लिए। वहाँ पर फिलहाल अपनी सस्ती लैम्बर्गनी मिल जाती है, तो ये उठाते हैं, और ये हमेशा ही बेस्ट है भैया, ये गाड़ी उठाते हैं सीधा निकलते हैं ड्रॉप पर। जैसे ड्रॉप पर पहुँचते हैं पता चलता है कि यार ड्रॉप को तो किसी ने लूट रखा है, और जो बंदों ने इनको लूटा है ना, इस ड्रॉप को लूटा है, वो दरअसल सेंट्रल रोड की तरफ मतलब पीछे वाले घरों की तरफ है, तो सीधा गाड़ी वापस से मोड़ते हैं वहीं पर। अब जैसे यहाँ पर गाड़ी रोकता हूँ मैं बंदूक की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इतने में एक ब्लैक ड्रेस वाला बंदा स्पॉट होता है। तो मेरे ख्याल से तुमने इसके एक और टीममेट को स्पॉट कर ही लिया होगा, जो कि सामने की तरफ पेड़ के पीछे छुप गया था और वो वहां से नेड कर रहा था। दरअसल इस स्क्वाड के साथ सीन कुछ ऐसा ना, इनकी आपस में बनती ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक बंदा इधर भाग रहा है, एक उधर है, और एक और पता नहीं कहां पर ही है भाई, तुम खुद देख लेना। गाड़ी लेकर चलते हैं उस जिस बंदे को मेरे सामने की तरफ नॉक किया ना, उसको फिनिश करने के लिए। सोचा था इसके टीममेट होंगे इसके आसपास, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता।
वहीं से नेट को फेंका था उधर मैंने। अब जैसे मैं इस बंदे की पेटी लूट रहा था, मेरे को आते हैं यहाँ पे सप्रेस्ड फायर शॉट्स। भैया कान के बाजू से जा रहे थे जू जू करके, मतलब लगने लगा था कि भैया हो गया काम, लेकिन ऐसा नहीं रहता। दरअसल मेरे को बंदे की लोकेशन ना बिल्कुल भी अभी तक पता नहीं थी, बस इतना पता था कि इस साइड से आया था, तो मैं रिज की तरफ ऐसे ही अंधाधुंध लेकर जा रहा था। लेकिन क्वीन को यहाँ पे बंदा स्पॉट होता है और वो करती है यहाँ पर मार्क। और ये बंदा अभी जो बंदे अभी निपटा है ना, ये उन्हीं का टीममेट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे के सारे बिखरे पड़े हैं, जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला। अभी इनका एक और टीममेट आने वाला है, वो भी यूएसएड लेकर। जो सामने यूएसएड पड़ी थी वो बंदा उठा के ला ही रहा था, इतने में क्या ही बजाते हैं इस बंदे को। तो अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो नीचे लाइक का बटन उसे प्रेस कर देना जरूर से जरूर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, और अपनी गेमर गैंग बहुत ज़्यादा हार्ड है, अपनी गेमर गैंग के साथ हो जाना फिलहाल। यहाँ पर मेरी गाड़ी का फ्यूल फिर से खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है ना, सामने की तरफ ही ड्रॉप हो रखा था, तो हमने सोचा गाड़ी मिल जाएगी गैरेज में। गैरेज में गाड़ी तो थी, लेकिन सोचा भैया पहले ड्रॉप ही लूट लेते हैं। अब मैं पहुंच चुका था ड्रॉप के पास, ड्रॉप में ग्रोजा पड़ा था, तो वो तो अपनी ग्रोजा क्वीन के लिए छोड़ दिया मैं। यहाँ पर इतने में एक बंदा स्पॉट होता है, और यहाँ पर अगर तुमने नोटिस किया होगा तो एकदम हल्का सा AWM का शॉट पड़ा था मेरे को, जो कि आधे से ज्यादा HP ले गया था। इस वाले बंदे ने मेरे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिया, बस जो भी डैमेज था वो सामने AWM वाले बंदे ने दिया था। अब वो बंदे को भी मैं स्पॉट कर लेता हूँ यहाँ पर, और सोचते हैं रश किया जाए बंदे पे। अब मैं बंदे के ऊपर कर चुका था रश, क्योंकि मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता थी। यहाँ पर मैं एक नेट खींचता हूँ, सोचा था इस नेट से कुछ तो फर्क पड़ेगा ये बंदे पे, लेकिन वो बंदा इतना शातिर था भैया, कूद कर कहीं और ही चला गया था। आई थिंक सीधा नहर पे जंप मारा उसने और गायब भी हो गया था। फिलहाल इस बंदे को छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस बंदे ने। गाड़ी उठाते हैं और सीधा बंदूक की तलाश में निकल लेते हैं। भाई यहाँ पर साफ साफ मेरा किल चोरी हुआ है, पक्का ये किल अगर मेरे पास होता ना तो 21 की जगह 22 किल हो सकते थे। लेकिन जो भी हो निपटा देगा, एक ही किल गया यार, छोड़ो ये तो होता रहता है। ऐसे बड़े बड़े गेम प्लेस में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती। फिलहाल अब यहाँ पर मेरे को फिर से फायर शॉट्स आते हैं, जो कि सामने ऊपर की तरफ से आ रहे थे। हमने सोचा इनको छोड़ो, भाड़ में गए ये लोग, इनकी पेटी वगैरह लूटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा लूट है हमारे पास। पहले जो ऊपर फाइट चली है ना उनके पास चलते, ऊपर की तरफ आते ही एक बॉट दिखा था, तो सोचा इसका भी किल सिक्योर कर ही लें। अब इसको नॉक करते ही बारिश वहां पर रश करने की, और दरअसल इस बंदे की वहां पर पूरी स्क्वाड रहती है, और जो कि BRDM लेके घूम रही थी। फिलहाल BRDM खड़ी है वहां पे और रश करते हैं इससे पहले कोई बंदा रिवाइव हो जाए, लेकिन मेरे वहां पर पहुंचते वो बंदा रिवाइव हो ही जाता है। तो अब इस स्क्वाड वाइप के लिए एक लाइक तो बनता है यार, अगर अभी तक नहीं किया ना तो इसके बाद जरूर से कर देना। और इसी के साथ आई थिंक वो लाइक वाला बटन प्रेस हो ही गया होगा, मुझे फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बट फिर से याद दिला रहा हूँ, पता नहीं क्यों याद दिला रहा हूँ। भैया लाइक करो यार तुम लोग। फिलहाल अब देखो एलाइव फील्ड में लास्ट का सिर्फ एक ही बंदा बचा, और उसके हाथ में भी AWM है, ड्रॉप हुआ था बगल में। मैंने सोचा चलो मैं भी ड्रॉप नहीं हुआ था, बंदों की पेटी में AWM पड़ा था, तो मैंने सोचा AWM मैं भी उठा लेता हूँ, 8x तो वैसे भी पड़ा हुआ है मेरे पास। और याद करो ये AWM वाला बंदा वही है जो कि पीछे थोड़ा और पीछे जाओ, हाँ वास्ट टावर में घुसा पड़ा था, और जिसके ऊपर मैंने नेट किया था बच गया था, जो कि पानी में कूद गया था, बस यही AWM वाला बंदा बचा। मेरे को स्पॉट हो चुका था क्योंकि उसने मेरे ऊपर फायर लिया था यहाँ पर, तो बस बचाते हैं बंदे को।
दुकान से निकली यार, गाड़ी नहीं है, क्या करें, गाड़ी लेके आए। मुझे बताना यार, मुझे तो एग्जैक्ट ये हेडशॉट लगा था। जो भी हो, बंदे को हेडशॉट से ही निपटाएंगे। और इसी के साथ कर लेते हैं गेमर गैंग विनर विनर चिकन डिनर। तो आई होप तुम लोगों को आज की ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। लाइक का बटन प्रेस हो ही गया होगा इतनी बार जो याद दिलाया। चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी गेमर गैंग के साथ हो जाना। फिलहाल मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट तगड़े से गेम प्ले वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी, जाकर मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। एंड बाय।